हाय गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। माय नेम इज अरिंदम रॉय चौधरी और यार आज हम बात करने वाले ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज 2020 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। ठीक है, चाहे मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया एक ऐसी सीरीज निकालो जहां पे आप हमको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे सको किसी भी कॉलेज के बारे में, क्योंकि आप यूट्यूब में देख सकते हैं आपको बहुत सारे फेक रिव्यूज मिलेंगे, पेड रिव्यूज मिलेंगे एक कॉलेज के बारे में। तो यार आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एपिसोड इस सीरीज के बारे में, एंड विच कॉलेज आर वी गोइंग टॉक अबाउट, माय ओन कॉलेज दैट इज NIT त्रिची। तो यार NIT त्रिची द ड्रीम NIT अबव मेनी IITs, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इंडिया में 23 IITs है एंड ओनली 8 IITs आर रैंक्ड अबव NIT त्रिची, बाकी के 15 IITs की रैंकिंग NIT त्रिची के नीचे आती है। ठीक है, सो हु एम आई टू टॉक अबाउट NIT त्रिची, आई एम करेंटली पर्सुइंग माय बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT त्रिची, आई एम करेंटली इन माय थर्ड ईयर, एक महीने के अंदर मैं अपने फाइनल ईयर यानी कि फोर्थ ईयर में चले जाऊंगा। सो आई हैव सीन अ लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड आई नो व्हाट NIT त्रिची इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बीइंग एन इनसाइडर ऑफ NIT त्रिची। ठीक है, तो यार जब मैंने NIT त्रिची में एडमिशन लिया तो बीइंग अ नॉर्थ इंडियन मुझे भी कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि यू नो आप जब एक नॉर्थ इंडिया से आते हो सो योर प्राइमरी मोड ऑफ लैंग्वेज इज हिंदी। ठीक है, लेकिन हिंदी का क्या है ना कि तमिलनाडु के लोग ज्यादा हिंदी प्रेफर नहीं करते, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लैंग्वेज दैट इज तमिल में कन्वर्स करना नो बेटर समझते हैं। सो थोड़ी बहुत मुझे दिक्कतें आई थी लैंग्वेज बैरियर को लेकर और थोड़ा बहुत यार क्लाइमेट को लेकर भी मुझे दिक्कतें आई थी, क्योंकि यार देखो तमिलनाडु और स्पेशली त्रिची बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड है ना, मैं जिस जगह में रहता हूँ वो ज्यादा ह्यूमिड नहीं है, तो क्लाइमेट को लेकर भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। खाना को लेकर भी यार खाना तमिलनाडु का साउथ इंडियन नॉर्थ इंडिया के साउथ इंडियन से मुझे तो ज्यादा बेकार लगता है। ठीक है, तो यार ये सारी चीजें आई थी, लेकिन 3 से 4 महीने वहां पे सेट हो गया था, क्योंकि देखो 4 साल गुजारने हैं ना, तो 4 साल गुजारने तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। तो 3 से 4 महीने में कंप्लीटली सेट था और आज के टाइम में कह सकता हूं कि NIT त्रिची हैपेंस टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट इज एवर यू नो ऑकर्ड इन माई लाइफ। ओके, सो यार चालू करते हैं, आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले आप देख सकते हो, इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। अबाउट कॉलेज कैंपस रिव्यू, कैंपस में आपको पहले दिखा चुका हूँ, कट ऑफ, ब्रांच वाइज फीस स्ट्रक्चर, पीयर्स एंड कल्चर, प्लेसमेंट प्लस इंटर्न्स, यार एक डिटेल एनालिसिस करने वाले सबके बारे में। सबसे पहले देखते हैं यार अबाउट कॉलेज, NIF रैंकिंग 9th, टॉप 10 इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस NIF रैंकिंग के हिसाब से, आपके 10 में से 9 IITs आते हैं और आपका एक NIT आता है। ठीक है, नंबर 9 में आता है आपका NIT त्रिची, होम स्टेट तमिलनाडु, जिन लोगों ने तमिलनाडु से अपना +2 यानी कि जिन्होंने अपना जो 12th का बोर्ड तमिलनाडु से दिया उनके लिए 50% सीट्स रिजर्व्ड है। ठीक है, और बाकी 50% सीट्स में आपके डासा और अदर स्टेट कैंडिडेट्स भरे जाते हैं। ओके, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1964 में चीज एस्टैब्लिश हुई थी, लोकेशन तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, बट ये मेन सिटी में नहीं है। ठीक है, आपका मेन सिटी जो छत्रम और सेंट्रल बस स्टैंड के आसपास है, वहां से इट इज अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर, क्योंकि 800 एकड़ का जो लैंड है, जो मेन लैंड एरिया आपका NIT त्रिची में, उतना बड़ा आपको मेन सिटी में मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज लोकेटेड अबाउट 22 किलोमीटर फ्रॉम द मेन सिटी। कैंपस रिव्यू आप देख सकते हो यार, कैंपस कितना सुंदर है, ये आप जो बिल्डिंग यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज नोन एज ओरायन, ओरायन इज ऑल्सो नोन एज द ऑफिशियल लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स ऑफ NIT त्रिची। फर्स्ट ईयर्स और फोर्थ ईयर्स ऑफ यू नो बीटेक को छोड़ के बाकी सबकी क्लासेस यहीं पे लगती है, कितना सुंदर लग रहा है देख के यार, है ना। तो यार ये हमारा ओरायन, इसके अलावा लाइब्रेरी भी आप देख सकते हो, लाइब्रेरी में आपके 2.5 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। हॉस्टल्स आप देख सकते हो NIT त्रिची में अप्रोक्सीमेटली 22 बॉयज हॉस्टल है और 6 गर्ल्स हॉस्टल है, इतने सारे लोगों को यू नो अकोमोडेट करने के लिए रखा गया है। सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए अलग हॉस्टल्स है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर गर्ल्स सबके लिए अलग अलग हॉस्टल्स है। ओके, अब देख सकते हो ये वाली जो बिल्डिंग है ना, ये है आपका एम्बर, एम्बर में बेसिकली आपके प्रेजेंट थर्ड ईयर, यानी कि मैं खुद एम्बर में रहता हूं, ये आपका एम्बर ए का बिल्डिंग है। आप इसमें देख सकते हो इट इज कम्पोज ऑफ 2 रेक्टेंगल्स, ये वाले रेक्टेंगल का जो पीछे वाला सेक्शन है वहां पे मेरा रूम है, एम्बर ए 104, कभी आना हो तो पक्का आ जाना बेझिझक। दिस इज द एडमिन ब्लॉक, दिस इज नोन एज द कैपस्टोन, कैपस्टोन इज नथिंग बट यू नो तो आपका जो प्लेसमेंट सेल है उसका एक ऑफिशियल बिल्डिंग है, यहाँ पे आपके सारे PPTs होते हैं, सारे आपके ग्रुप डिस्कशन होते हैं और सारे टेक्निकल और HR राउंड यहीं पे होते हैं। ठीक है, सेंट्रल लाइब्रेरी ये है, कितना बड़ा है देखो, है ना, और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो ये है आपका मेन गेट। ठीक है, यहां से आपको एंट्री लेना पड़ेगा NIT त्रिची में घुसने के लिए। ब्रांच वाइज कट ऑफ आप देख सकते हो, NIT त्रिची में आपके बीटेक में 9 ब्रांचेस हैं, 9 ब्रांचेस यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज EEE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दैट इज ECE, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग। बहुत ज्यादा कम कॉलेज में आपका आइस ब्रांच रहता है, IIT खड़गपुर और NIT त्रिची दो ऐसे कॉलेज जहां पे आपको मिलता है, और भी कॉलेज में है लेकिन काफी कम कॉलेज में रहता है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप देख सकते हो, मेटलर्जिकल एंड मटीरियल इंजीनियरिंग MME भी आप देख सकते हो, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सारे आपके ऊपर में होम स्टेट कट ऑफ्स है। ओके,
ये जो फर्स्ट कॉलम है आपका, ये है आपका ओपनिंग रैंक, ये है आपका क्लोजिंग रैंक। इसके अलावा आप अदर स्टेट के भी यहाँ पर रैंकिंग देख सकते हो। और फाइव ईयर बीआर का कोर्स है, फाइव ईयर बीआर का कोर्स इज द ओनली कोर्स अपार्ट फ्रॉम बैचलर्स टेक्नोलॉजी जो कि आपका बैचलर्स में अवेलेबल है, ठीक है। आप आर्किटेक्चर के यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक भी देख सकते हो। फी स्ट्रक्चर देखो, कल ही आपको पब्लिश हुआ है, आज भाई आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, ओके। सो ये है आपका फी स्ट्रक्चर पूरा, हाइक हुआ इस बार बहुत ज्यादा, है ना। आपके यहाँ पे जनरल और ओबीसी की जो फीस है आप ये देख सकते हो, एस सी एस टी की फीस यहाँ से देख सकते हो, पीडब्ल्यूडी ओबीसी की सारी फी स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। क्लब्स एंड कल्चर देखो, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार अगर आप क्लब्स में पार्ट ले रहे हो तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं खुद प्रज्ञान दैट इज टेक्नो मैनेजरल फेस्ट में दो साल से हूं, इन माय सोफोमोर दैट इज द सेकंड ईयर मैं आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर था, दैट इज आई वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रज्ञान सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टीम। इन माई थर्ड ईयर आई चेंज माई टीम एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रज्ञान मार्केटिंग टीम। मार्केटिंग टीम ऑफ प्रज्ञान इज वन ऑफ द मोस्ट इलाइट टीम्स टू जॉइन इन एनआईटी त्रिची। तो यार वहां पे हम 24 लोग थे और मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा। आज अगर मैं आपके सामने वीडियो बना पा रहा हूं 20,000 सब्सक्राइबर्स ज्यादा को लेके, क्योंकि यार मैंने वहां से बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल सीखे हैं और आज मैं उसको अप्लाई कर पा रहा हूं, ओके। तो यार ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्लब्स आपके एनआईटी त्रिची में। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप देख सकते हो दो कोडिंग क्लब्स, ठीक है। इन दो कोडिंग क्लब्स स्पाइडर और डेल्टा में अगर आपका एडमिशन हो गया, आप कॉम्पिटेटिव कोडिंग बहुत ढंग से सीख जाते हो एंड दैट बूस्ट योर चांसेस ऑफ गेटिंग प्लेस और इंटर्न इन वन ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेट कंपनीज, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो डांस ट्रूप, म्यूजिक ट्रूप, ऑब्वियसली हर कॉलेज में होते हैं, लेकिन यहां पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलते हैं। सिग्मा बिजनेस क्लब, यार बहुत सारे एनआईटीज में नहीं होता है, लेकिन यह आपका टॉप एनआईटी है। सिग्मा बिजनेस क्लब इज वन ऑफ द बेस्ट क्लब टू ज्वाइन इन एनआईटी त्रिची। उसके अलावा भी आप देख सकते हो आपका आईसेक एनआईटी त्रिची, अगर आपको इंटर्न चाहिए अब्रॉड में, सो दैट इज वन ऑफ द पॉसिबल बेस्ट गेटवे दैट यू कैन गेट इट थ्रू, ठीक है। ये सारी बातें हो चुकी है। कल्चरल इवेंट्स आप देख लो, दो फेस्ट मेन है आपके एनआईटी त्रिची में, एक है प्रज्ञान आपका टेक, ऑल्सो नोन एज टेक्नो मैनेजरियल फेस्ट, और आपका फेस्ट नंबर है कल्चरल फेस्ट, ठीक है। प्रज्ञान आपका जनरली होता है इन द मंथ ऑफ मार्च, बहुत सही विजुअल्स है, एक बार देख ही लो। इसके बाद तो हम बात करने वाले हैं फर्स्ट नंबर, दैट इज द कल्चरल फेस्ट के बारे में। फर्स्ट नंबर साउंड्स अ लॉट विद सितंबर, ठीक है, हर साल सितंबर में होता है। लास्ट ईयर वाज द ओनली ईयर जब आपका सितंबर में नहीं होगा, कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से आपका ये सितंबर में नहीं होगा, अक्टूबर में होता है, बट इट यूजुअली हैपेंस इन द मंथ ऑफ सितंबर। आप मेजर हाईलाइट्स देख सकते हो, प्रो नाइट, सेवन सेलिब्रिटी बैंड्स बहुत सारे आते हैं, मैं आपको बाद में इलस्ट्रेशन भी दिखा दूंगा, ये आपका प्रज्ञान का इलस्ट्रेशन। इतने सारे चीजें होती है, आपका इन्फोटेनमेंट होता है, दैट इज द एंटरटेनमेंट वार्ड ऑफ प्रज्ञान। उसके बाद आपका होता है गेस्ट लेक्चर्स, इलाइट गेस्ट लेक्चर्स, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, अगर आपको कभी मौका मिले आने का तो आप प्रज्ञान पक्का अटेंड करना, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सितंबर में 1975 से 93 कल्चरल फेस्ट, बहुत सारे प्रो शोज होते हैं, आप सारे सेलिब्रिटी लाइनअप देख सकते हो, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव, एक यू नो फोर डे फेस्ट होता है, डे जीरो, डे वन, डे टू, डे थ्री बींग द बेस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एवरग्रीन प्लेसमेंट्स के बारे में। 93 टॉप 90 लोग एक्सपेक्ट करते हैं प्लेसमेंट्स ऑन पार रहेंगे, ऑब्वियसली ऑन पार है, बहुत ऊपर लेवल के प्लेसमेंट्स होते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज आप यहां पे देख सकते हो 43 एलपीए सीटीसी माइक्रोसॉफ्ट लास्ट ईयर ने दिया था। उसके बाद हाईएस्ट इंटर्नशिप स्टाइपेंड, ये आपका हाईएस्ट पैकेज जो था हमने डिस्कस किया था फॉर प्लेसमेंट्स, ये इंटर्नशिप स्टाइपेंड देख सकते हो 3 लाख जो कि दो कंपनीज ने दिया था, डी शॉ और आईटीसी ने। डी शॉ ओपन फॉर ओनली वन ब्रांच, दैट इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग।
ITC ओपन ओनली फॉर 3 ब्रांचेस मैकेनिकल ट्रिपल ई एंड केमिकल, ठीक है। तो 3 लाख का स्टाइपेंड दोनों का था, 2 महीने के इंटर्न थी। प्लेसमेंट परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हो 96% है यार, 96% प्लेसमेंट, समझ लो अगर 25 लोग बैठे प्लेसमेंट में 24 के तो पक्का लगनी ही है, ठीक है। टोटल कंपनीज 220 से ज्यादा कंपनीज, इतने वर्किंग डेज नहीं होते हैं उससे ज्यादा आपके टोटल कंपनीज आते हैं NIT त्रिचि में। हाईएस्ट सिक्योरिटेड ब्रांच लाइक एनी अदर IIT और एनी अदर NIT और एनी अदर IIIT, इट्स ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। प्लेसमेंट ट्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हो, सिविल का प्लेसमेंट ट्रेंड देख लो 86.6, 84.8, 92.1, यू नो सिविल में थोड़ी बहुत प्लेसमेंट की मंदी रहती है, लेकिन अभी भी दैट इज ऑन द राइज। 2019 में 92% लोग का प्लेसमेंट हुआ था सिविल ब्रांच से। CSE देख सकते हो और पिछले 3 साल से क्लीन रिकॉर्ड है 100% प्लेसमेंट का। ट्रिपल ई देख लो यार 194.1, 97, क्वाइट इंप्रेसिव। ECE देख लो यार हमेशा 98% ज्यादा प्लेसमेंट होते हैं वहां पे। मैकेनिकल देख लो, मैकेनिकल में आप देख सकते हो 98.5, 97, 96.5, क्वाइट इंप्रेसिव प्लेसमेंट्स। केमिकल देख लो 2017-2018 में 100% प्लेसमेंट्स और 2019 में अप्रोक्सीमेटली 95% प्लेसमेंट, यानी कि 40 लोग बैठे थे 38 लोग का प्लेसमेंट लगा था। सो यार थैंक यू वेरी मच, आज हमने बहुत ज्यादा बात किया इन सब को लेके, और मैं आगे आप लोग के लिए ऐसे कॉलेज रिव्यूज लाते रहूंगा।